अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? देखो काशिक, काय चाललं इकडे? काय चाललं एवढं रात्री तुमचं? कुछ नहीं, चलो काशी, हम लोग यहाँ यूं ही बैठे, ऐसा वैसा क्या है? कायदा कानून कुछ है कि नहीं? हम लोग यहीं रहते हैं पास में, चलो ना काशी। ही पोरी तो होटल में नाचते नाचते चले ला हाथ बजे क्या बगू? मुझे फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा। नहीं छीना ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं, अरे काट दूंगा इन लोगों को। कहां थे ये लोग जब उन लोगों ने मेरे बाबूजी को कुत्ता बनाया? क्या इस तरह से जीना पाप है? हम लोग सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर उठाकर। बाबूजी का इलाज करने आए थे हम लोग, कुत्ता बना दिया उन लोगों ने। हाथ जोड़ते हैं बनारस में, सलाम करते हैं लोग, और यहाँ यहाँ नहीं काशी। बहुत अच्छा आदमी है इंस्पेक्टर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उससे इतना प्यार करती हो तो उसे समझाया क्यों नहीं? अरे कातिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? कातिया से पंगा लिया तो ये नौबत आ गई ना। कातिया की नौकरी करता, चुपचाप पड़ा रहता। चुपचाप तेरी तरह बेशरम बनकर नाचती क्लब में है, बात शर्म की करती है। वाह अच्छा है, अच्छा है। नाचती हूँ क्लब में, नाचती हूँ, मेहनत और पसीने की खाती हूँ, तेरी तरह बेईमानी की रोटी नहीं तोड़ती। तू नमक खाता है सरकार का और गुलामी करता है कात्या की। ए शट अप, शट अप। देख तू, तू देख, देख ना कहाँ गया रजिस्टर मेरा। ऐसा केस बनाऊंगा, 7 साल के लिए अंदर जाएगा वो, देखना। बना केस, तू बना केस, कॉल रजिस्टर और लिख, लिख। तेरे हवलदारों ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरे हवलदारों ने दारू पीकर मेरा हाथ पकड़ा। हाथ क्या पकड़ा, मेरे कपड़े भी फाड़े। ये देख मेरे कपड़े फाड़े। लिख, कॉल रजिस्टर और लिख। तू लिखेगा और बनाएगा केस। मैं औरतों को इकट्ठा करती हूँ, वो गवाही देंगी। केस बना, चल चल लिख, कब देख क्या रहा है। मुरारी प्रॉब्लम उधर नहीं, इधर है। छोड़ छोड़ दे भाई, छोड़ दे उसको। ठीक, सचदेव को काट के फेंक दिया, तुम्हारे उस बनारसी पहलवान के घर में निकाल दी, इसके बाप को भरी बस्ती में कुत्ता बनाया। इतना सब कुछ हो गया फिर भी दुकानें खुली हैं, धंधा चालू है। पर बायलॉ कोर्ट ए कात्या बोला वो लॉ। तुम्हारी वजह से भाई ने अपने खास आदमी की उंगली कटवा दी, तुम्हारी ये हिम्मत? हिम्मत का बात नहीं भाई, ये जरूरत का बात है। डायलॉग मारने का नहीं। तू नाम बोल। अंबिका लाल सत्यनारायण प्रसाद तिवारी। जगह बोल। 10x12 लिख। 50,000 साहब, 1.5 लाख का सामान है उसमें। 40 लिख। अरे पर कात्या का लॉ से जो रैम में मिल रहा है ना, वो एक एक करके लेके गुम हो जाने का। भाई तू चिंता मत कर, अपन पूरा बराबर वॉच रख रहे है। जो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उसका लाइफ का शटर अपन घिरा डालेगा।
साथ तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने दम हिला रहा है, मेरे तलवे चाट रहा है। काशी, अपने क्रोध को पालना सीख बेटा। यही देखने आया था ना कि मेरी सांसें चल रही हैं या नहीं, ताकि मेरे मरने के बाद तू कात्या को मारकर जेल जा सके। क्रोध को पालना सीख। जब गांधी जी को गाड़ी के बाहर फेंक दिया गया था ना, तो उन्होंने टीसी पर अपना क्रोध जाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने क्रोध को पाला, उसे नींव बनाया, अपनी आजादी की लड़ाई का, मुल्क आजाद कराया। तुझे भी वही करना है काशी। कात्या को मारना समस्या का हल नहीं है। दुश्मन कात्या नहीं, बल्कि लोगों के अंदर छिपा हुआ उसका डर है, जो मेरे कैंसर से भी ज्यादा घातक है। उस डर ने लोगों की आवाजें बंद कर दी हैं, खोखला कर दिया है उन्हें। तुम्हें उन लोगों के अंदर हिम्मत फूंकनी है, इतनी हिम्मत कि वक्त आने पर कोई बच्चा भी भिड़ जाए कात्या से, कात्या खुद ब खुद मर जाएगा और फिर कोई कात्या कभी पैदा नहीं होगा। क्रोध को पालना सीख बेटा। हाँ? इतनी रात गए यहां, शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुजदिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा, किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ अधिकार हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं, नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है वो। और जमीन माँ, भैया माँ, वो जमीन जिसे इस शहर में आपको दो वक्त की रोटी दी, उसे छोड़ के चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की, परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने
मैंने तय कर लिया है। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन ये दुकान नहीं छोड़ूंगा, बस। हाँ, लेकिन दुकान अभी काय को खोली तुमने? हाँ नहीं नहीं, तुम एक दुकान खोलोगे तुम्हारी वजह से सारे दुकानदारों पर मुसीबत आ जाएगी। कौन खोला दुकान? इसका दुकान? हाँ मैंने खोला, क्या करेगा तू? हाँ बीच में आ, क्या करेगा तू? बोल ना। गिनती ले। एक दो तीन चार। ए ए तेरी तो ए ए ये 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 मार, तू मार। ए ए कोई बीच में नहीं आएगा आज का बादशाह। तू बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। मानना बोला ना, मानना। आप ना हिलेगा ना डूलेगा। मोहम्मद भाई, ए तू रुक इधर, कोई हिलेगा नहीं। मोहम्मद भाई आ रहे हैं। मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई। शिवा, क्या मोहम्मद भाई आने वाला है, दुकान बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा मोहम्मद भाई से। सुनो हमारी देखो सचमुच आज का बादशाह तू। रुक, विलास भाई को बुला।